अपकमिंग फिल्म OMG में लगे 20 कट इस सर्टिफिकेट के साथ मूवी को किया जाएगा रिलीज। OMG 2 पर सेंसर बोर्ड का फैसला आ चुका है। कमेटी ने फिल्म से कुछ 15 से 20 कट्स करने के लिए कहा है, जिससे कि मेकर्स नाखुश हैं। वेल दोस्तों, सुपरस्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म OMG 2 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वेल दोस्तों, पिछले दिनों खबर आ रही थी कि अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की फिल्म OMG 2 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने रिवाइजिंग कमेटी के पास दोबारा से रिव्यू के लिए भेजा है। मेकर्स ने फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स दिखाए हैं जिसको लेकर आगे चलकर आपत्ति हो सकती है। वह फिल्म को 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा, लेकिन मेकर्स की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब फिल्म को लेकर रिवाइजिंग कमेटी की ओर से जवाब आ चुका है। कमेटी ने फिल्म से कुछ 15 से 20 कट्स करने के लिए कहा है, साथ ही ये भी सलाह दी है कि वो फिल्म अडल्ट सर्टिफिकेट दें, जबकि मेकर्स का कहना है कि फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पर कट लगाने की जरूरत पड़े। वेल, मेकर्स जो हैं इस फैसले के पूरी तरह से खिलाफ हैं। साथ ही आपको बता दें, OMG 2 के पहले टीजर को ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। वहीं कुछ लोगों को अक्षय कुमार के शिफ्ट किरदार पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो वहीं कमेटी का ये भी कहना है कि अक्षय कुमार और पंकज की फिल्म को शायद आदि पुरुष मूवी की तरह बॉयकॉट मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा था आदि पुरुष को इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज में घेरा गया था, बिल्कुल उसी तरह OMG 2 को लेकर भी कहा जा रहा है। फिलहाल आप कितना वेट कर रहे हैं OMG 2 का, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।